Assalamu alaikum student, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our another important chapter also, and topic is reducing agent. In previous lecture we discussed about that the oxidizing agent. अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है इनमें डिफरेंस भी आ सकता है और ये अलहदा अलहदा क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट एक्सप्लेन या डिफाइन विद एग्जांपल और व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफाइन एंड विद द एग्जांपल्स. तो अब हम पढ़ने लगे हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स. रिड्यूसिंग एजेंट्स की कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन हैं या डिफरेंट फोर वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट्स. ऐसे हमारे पास सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं. अनदर डेफिनेशन इज द रिड्यूसिंग एजेंट इज आज रिड्यूस सब्सटेंसेस के जो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं सब्सटेंसेस को बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट. के ये बात हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि वो जो भी सब्सटेंसेस हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं. अब डोनेट करने की एबिलिटी मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देना. और जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मेटल्स, मेटल्स जो हैं दे हैव टू एबिलिटी, दे हैव टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड गेट द इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज. के वो मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी रखती हैं. अब हर तरह की जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो ज़्यादातर क्वान्टिटी ऑफ एलिमेंट है वो मेटल्स की ही हैं और मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज करते हैं तो उनके ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. बट इट्स डिपेंड अपॉन दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट. जरूरी नहीं कि हर बार वो एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन एलिमेंट टू एलिमेंट्स के ऊपर. उसके बाद थर्ड वे ऑफ डेफिनेशन हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का क्या है, द सब्सटेंसेस एटम और आइंस. अब हमारे पास जो है ये सब्सटेंसेस हैं वो एटम और आइंस दोनों हो सकते हैं. एटम होगा तो वो कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, और अगर आइन होगा तो आइंस का मतलब क्या होगा कि इट्स मीन दैट कि दे हैव अ पॉजिटिव या नेगेटिव कैटाइंस या एनाइन. बिकॉज हमने फर्स्ट चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि जब हम आइंस की बात करते हैं द स्पीशीज या एटम अ ग्रुप ऑफ एटम विच हैविंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड द आइंस एंड दे हैव अ टू टाइप ऑफ आइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द कैटाइंस और एनाइंस इफ द एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, अगर लॉस कर रहा है तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा. विच इज ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट. द रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंसेस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस द अदर. के वो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर लेते हैं. एंड वी हैव अ वेरी नॉन एंड गुड एग्जाम्पल ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज अ मैटर. All the metals are the good reducing agents because they have two tendency to lose and donate the electron. Now there is a sodium with 11 electrons. In the sodium, one electron is present in the outermost shell, and the one electrons are lost by ek electrons ko wo lose karega and they get the electropositive charge. Aur uske alawa we have a magnesium. मैग्नीशियम के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है, मैग्नीशियम के पास वो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन में से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, उसके ऊपर प्लस 2 चार्ज आ जाएगा. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स डिपेंड अपॉन दैट एलिमेंट टू एलिमेंट्स के हमारे पास जो है वो एटम्स जो हैं ऑफ मेटल जो हैं वो कैसे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले, डिपेंड अपॉन दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पढ़ के आए हैं ऐसा केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब ऑक्सीडेशन क्या है थोड़ा सा रिवील करते हैं, दैट आर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या होगा, दैट आर कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. एंड रिडक्शन हमारे पास क्या होगी, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और उसके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी. और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी टेक प्लेस कर रही हो और रिडक्शन भी जो है वो टेक प्लेस कर रही हो. अच्छा, उस अब हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है रेडॉक्स रिएक्शन की, वो ये है कि केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज. कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सब्सटेंसेस की
चेंज हो जाए तो वो भी क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है. लेट अस डिस्कस एन एक रिएक्शन. अब हम एक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं एंड आई हैव अ जिंक मेटल एंड HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं. अब जो हमारे पास जिंक है, जिंक मेटल है और मेटल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है. सिंपल, वी हैव अ जिंक, जिंक इज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके बाद हमारे पास जिंक क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस. अब हमने इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन स्टेट देना है बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन. अब बिफोर द रिएक्शन वी हैव अ रिएक्टेंट विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. हमारे पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे लेकिन सिर्फ हम जिंक की बात करेंगे. और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जिंक को देखते हैं तो जिंक जो है वो मेटल है, फ्री स्टेट ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, जीरो है. और ये हम रूल फॉर असाइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बात पढ़ चुके हैं फर्स्ट रूल में कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो जीरो होगा फ्री एलिमेंट्स का. अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में कैसे है कि वी हैव अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इन द इनर एंड आउटर दोनों को कंसीडर करेंगे हम. उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, बट वी टॉकिंग अबाउट दैट द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मैंने इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया हुआ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7. ठीक है, अब क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. अब इसने डोनेट किया है और इसने गेन किया है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो मैंने कहा पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब +1 and -1. उसके बाद अब हमारे पास क्या है, अब जिंक इज रिएक्ट विद द क्लोरीन, जिंक ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया. इट्स मीन दैट द जिंक जो है उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है. जब वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा. उसके बाद वी हैव अ क्लोरीन. अब जब क्लोरीन की बात करते हैं तो उसके ऊपर -1 होगा और हाइड, उसके बाद हमारा जो अगला रिएक्शन, सॉरी अगला हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट आर द हाइड्रोजन. यहाँ पे भी ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा. अब पहले हमने सिंपल इक्वेशन लिखा उसके अंदर, उसके बाद हमने इसके अंदर ऑक्सीडेशन जो है इसको, इसके ऑक्सीडेशन उसको असाइन किए हैं कि हमारे पास इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या हैं. अब हमने ये बताना है कि इस इक्वेशन के अंदर कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज हमारा टॉपिक यही है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन. जब जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर जिंक जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. अगर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ है इट्स मीन दैट द ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस. और उसके बाद हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा. उसके बाद हमारे पास है इफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज और चेंज इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन. अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है, अगर जीरो से +1, +2 या -1 या -2 होता है, इट्स मीन दैट कि उसके अंदर चेंज आ गया और चेंज को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स भी कह सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल विच इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, जो एग्जाम्पल आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आ रही हो उसको आपने कैरी करना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से देखिएगा. अब इसमें भी फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, सिंपल एक जनरल स्टेप है विच इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. We know about that the water molecule में हमारे पास क्या है, the hydrogen is react with the oxygen and form the water molecule, but here is the 2 hydrogen plus react with the oxygen and they form the 2 water molecule. And now we give the oxidation state. Second step में हमने इनको oxidation state या oxidation number provide करना है before the reactant and after the reaction. अब before the reaction हमारे पास oxidation state जो है वो hydrogen का भी zero है और oxygen का भी zero है, but reaction के बाद जो है जो नया प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, तो अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -2. लेट अस फाइंड आउट द रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अब हमने ये फाइंड करना है कि इस रिएक्शन के अंदर कहाँ पे रिडक्शन और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो यहाँ पे हमारे पास 4 major points आते हैं. पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन हैज चेंज, ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा 0 oxidation state टू द -2. अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो है, बट अगर हम उसकी बात करते हैं
तो वो रिएक्शन के बाद जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो गया है, माइनस टू हो गया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है क्योंकि इसने गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है और बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ वी टॉकिंग अबाउट दैट द हाइड्रोजन. अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, जीरो है बिफोर द रिएक्शन. तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन हैज फ्रॉम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट टू द प्लस वन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हुई है जीरो से प्लस वन में बाय लूजिंग द टू इलेक्ट्रॉन एंड बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब यहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है. आई होप नाइन क्लास आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.